बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, रावल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि एफिलेटेड है शहीद जुल्फकार भुट्टो यूनिवर्सिटी, जो कि रावल पिंडी के अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर BS पोस्ट RN के और नर्सिंग के एडमिशन का आगाज हो चुका है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, चाहे वो कोई स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो, चाहे वो किसी भी जगह कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका एडमिशन का हो, चाहे वो जॉब का हो, हम आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज भी देते हैं। आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चालान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट भी करेंगे और अटेस्ट भी करेंगे। और इसके साथ साथ अगर मजीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी हम आपको घर बैठे बैठा ही सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फिर हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवाएं। अब मैं थोड़ा सा जरा एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करता चाहूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट है जिसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 31 अक्टूबर 2023 है। यहाँ पे BSc पोस्ट आ रहे हैं ना, और यहाँ पे BSN है जो नर्सिंग होता है 4 ईयर का। अब आपको बता दूँ, सबसे पहले इसका मैं बता दूँ कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना मस्ट है इसके लिए। और यहाँ पे भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, दोनों जगह पे आपने BSc नर्सिंग करना है या आपने BS पोस्ट RN नर्सिंग करना है, जो आफ्टर 6 ईयर क्वालिफिकेशन होता है वो करना है, दोनों के लिए आपको टेस्ट देना मस्ट है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले नर्सिंग को डिस्कस करता हूँ। नर्सिंग के अंदर 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में, और 50% आपके FSC के अंदर होने चाहिए। एज लिमिट आप टू 35 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर 50% मेल और 50% फीमेल। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है ये कंपल्सरी है। अब ये जो मैं आपको बता दूं, जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट है ये ऑलरेडी अभी करंटली चल रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे सर्च आउट करेंगे इसकी वेबसाइट पे चले जाना। ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी की मैं वेबसाइट ऑफिशियल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आके आपने टेस्ट के लिए पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। आप टेस्ट देंगे, आप टेस्ट पास करते हैं, देन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उनके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या आप नर्सिंग के लिए करना चाहते हैं, या अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी प्रोग्राम हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करना चाहेंगे वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का आपका एडमिशन होना मस्ट है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग का, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करता हूँ, ये मेरे सामने देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये जो है वो इससे एफिलेटेड है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये पब्लिक सेक्टर आपको बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PIMS का है, उसके बाद नर्सिंग PIMS इस्लामाबाद, क्लिनिकल नर्सिंग पॉली क्लिनिकल इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इससे एफिलेटेड और भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम की बात आती है, वो भी सारे यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो जिसने जो प्रोग्राम भी करना है वो नर्सिंग इसका टेस्ट देगा। इसकी अब लास्ट डेट क्या है वो थोड़ा सा हम लोग वो भी डिस्क्राइब करते चले तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लास्ट डेट अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अभी ही अप्लाई करें। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना मस्ट है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे सामने डिटेल होना मस्ट है। यहाँ पे आपके सामने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी टेस्ट, यहाँ पे आपने देखना है। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो अगर मैं थोड़ी सी डिस्कस करता चाहूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे डिस्कस कर दी गई है कि आपने इस टेस्ट के लिए कब तक अप्लाई करना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी अवेलेबल फ्रॉम द 24th अगस्त, ठीक है, 2023। और लास्ट डेट अगर मैं डिस्कस करता चलूँ तो यहाँ पे लास्ट डेट थोड़ा सा हम लोग लेते हैं 22 सितंबर तक लास्ट डेट है नॉर्मल फीस के साथ, और लेट फीस के साथ 29 सितंबर लास्ट डेट है। अब यहाँ पे ये टेस्ट देना मस्ट है, चाहे आपने पोस्ट आरएन में एडमिशन लेना है, चाहे आपने BSN नर्सिंग में एडमिशन लेना है। इसी तरह मैं पोस्ट आरएन नर्सिंग की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं, मिड वाइफरी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे नोट फुल फंडेड स्कॉलरशिप नेट भी अवेलेबल 4 ईयर स्टूडेंट के लिए। हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। इंटरव्यू विल बी स्केड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम 1st अक्टूबर 2023 फ्रॉम द कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 1st अक्टूबर। अर्बन जो अक्टूबर जो है ना रावल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वहां से आप जो है फॉर्म जो है इसके लिए ऑनलाइन तो अप्लाई नहीं कर सकते, टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा वो आपको मिलना है रावल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। अब बाज़ को स्टूडेंट्स को रावल कॉलेज का पता ही नहीं होता, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रावल कॉलेज ऑफ नर्सिंग को थोड़ा सर्च आउट करेंगे, या रावल कॉलेज, ठीक है, थोड़ा सा सर्च आउट करें ऑफ नर्सिंग। जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल इनकी वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है
RIHS, जैसे इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आपके सामने ये देख सकते हैं, आपके सामने कॉलेज की पिक्चर्स बहुत सारी ओपन हो चुकी हैं, जिसके अंदर मेडिकल के, इसके अंदर MBBS भी करवाया जाता है, दूसरे पर एग्जाम्स भी करवाए जाते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चलें, हम फीस स्ट्रक्चर 2023 को थोड़ा सा डिस्कस करें। यहाँ पे ये जितना भी फीस स्ट्रक्चर है अभी MBBS का फीस स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है, अभी देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर MBBS का है। इसी तरह मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे BSc नर्सिंग की भी बात कर लेते हैं, BSc नर्सिंग के फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे अगर मेंशन है तो, क्योंकि इसको जो है वो फीस स्ट्रक्चर ज़्यादातर तो आपको मेनली वही डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। अगर हमारे यहाँ पे देखें एडमिशन इन BSc नर्सिंग यहाँ पे आपके सामने ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे से भी थोड़ी गाइडलाइन और सारा कुछ बता दिया जाएगा यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे फैकल्टी डिपार्टमेंट्स नर्सिंग प्रोग्राम्स में से सारा कुछ यहाँ पे परस्पेक्टिस, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आपके सामने फीस स्ट्रक्चर भी ओपन हो जाता है इसका। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपने इसके अंदर एडमिशन लेना है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले शहीद जोरफ खान अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना मस्ट है। आप इस टेस्ट के अंदर अपीयर होंगे, अपना जो है वो टेस्ट क्लियर करेंगे, टेस्ट क्लियर करने के बाद देन आप इस यूनिवर्सिटी के, इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करेंगे, और साथ आप जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का जो नर्सिंग ऑफर कर रहे हैं पिम्स के अंदर, आप वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल सारी गाइडलाइन ईच एंड एवरीथिंग वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, ये सारा कुछ आपके सामने बता दिया गया है। ये कॉलेज है और इसकी ये बिल्डिंग है, और यहाँ पे ये उनकी जो है रावल कॉलेज ऑफ, उनकी जो बस है वो सारा कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। तो आपको बता दूं यहाँ पे आप इसका फीस स्ट्रक्चर देख सकेंगे, अभी मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है जिसकी वजह से आई थिंक वेबसाइट इशू कर रही है, तो आप इसको डाउनलोड करें, इसका फीस स्ट्रक्चर देखिए। और 1 अक्टूबर से आप क्या करेंगे, रावल कॉलेज ऑफ जो है वहाँ से जाके आप इसका प्रोस्पेक्टस लेंगे। एप्लीकेशन डेडलाइन जो 31 है, और यहाँ पे प्रिंसिपल जो है यहाँ पे आपके सामने उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उनका कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं प्रोवाइड की होगी। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। जजाकला, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।